अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इस वक्त हम ट्रिप पे निकले हैं और आज हम एक्सप्लोर करेंगे दैतर नगर छल के एरिया में। ये वाकई है तो हम जा रहे हैं इस वक्त दैतर और आपको दिखाएंगे कि दैतर में कितनी खूबसूरती है, कैसा इलाका है। इस वक्त हम कैकेज से हम मुड़े हैं टूवर्ड छल। मेरे साथ अब्बास प्यारे मौजूद हैं और साथ में जुबैब है, साथ में और ये जो रजा ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं और मुजीब हमारे साथ हैं। पूरी टीम है, पूरी टोली है हमारी। तो हम फिर आगे जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि दैतर की खूबसूरती कैसी है, नगर कितना खूबसूरत रहता है। आपने हमारे साथ रहना है, ठीक हो गया। आगे जाके आपको दिखाएंगे, रोड थोड़ा सा रफ टफ है लेकिन जब आप पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि बहुत खूबसूरत इलाके हैं। तो आप लोग जो हैं ज़रूर नगर छलत विजिट करें, दैतर और साथ में गप्पा वैली ज़रूर विजिट करें। अब इस वक्त हम पहुंचे हैं छलत बाज़ार और अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत हो तो आप छलत बाज़ार से चीज़ें ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बाज़ार में रुके हैं, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये छोटा सा बाज़ार है छत का और आपको यहाँ पे ज़रूरत की तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी। और जी हमने आपको बताया था कि बाज़ार है, ये बाज़ार पे हम रुके हैं, कुछ चीज़ें हम ले लें ताकि ऊपर जाके हमें कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। रजा ताबिश इस वक्त मेरे साथ, अजीब शलिया करके दे रहे हैं, ऊपर जाके फिर आपसे मुलाकात हमारे साथ रुके। मगते इश्क सूतिया नहीं जे हिसाब किताब एक नूश, उमर जे इस शेष शे तो वरो जे जवाब एक नूश। जी जनाब, इस वक्त हम पहुंचे हैं तरबटो दास, ये दैतर का जो बेस कह ले, जहाँ से आप तैयारी करके अपने तमाम तर सामान रेडी करके यहाँ से आप ऊपर मूव करते हैं। नीचे छोटी सी आबादी भी है और ग्रीनरी भी है, तो आप यहाँ थोड़ी देर के लिए सस्ता सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, देन यहाँ से ऊपर दैतर आप मूव कर सकते हैं। सामान रीचेक ज़रूर करें। ये रजा ताबिश हमारे साथ मौजूद है और हमारा पूरा ग्रुप है, ये हमारी बसंती है जो हमें लेकर जा रही है। नंबर दिखाना चाहूँगा इसका, आप देख सकते हैं नगर 5 हमारे साथ है और पहाड़ों की शहजादी है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ से हम चखने का बिल्कुल पानी आ रहा है, साफ पीने का पानी वो भर रहे हैं और यहाँ से पानी भरने के बाद हम आगे मूव करेंगे। गाड़ी में भी पानी चेंज हो रहा है, तो हर चीज़ यहाँ पर रीचेक ज़रूर करें जब भी आप आते हैं ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। ये हमारे ड्राइवर भाई हैं जो इस वक्त गाड़ी में पानी डाल रहे हैं, गाड़ी को फ्रेश कर रहे हैं ताकि यहाँ से ऊपर चढ़ाई शुरू हो सके। आगे हम आपको दिखाएंगे कि दैतर कैसी वैली है और क्या खूबसूरती वहाँ पर पाई जाती है। आपने हमारे साथ रहना, ठीक हो गया।
हमारा ट्रेवल जो है वो जारी है और हम एक जगह रुके हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में बड़ा खूबसूरत मंजर है, दरिया यहाँ से बह रहा है, नाला जो ऊपर का वो नीचे छलक आबादी की तरफ जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी और ये बात जाए तो गाड़ी के अंदर सामान भी आपको नज़र आ रहा है। सही हम जो है फुल प्लान है कि जहाँ आबादी हम ट्रैक करेंगे और कैंपिंग करेंगे। तो यहाँ से आगे ऊपर दहीतर का सफ़र मज़ीद बाकी है। फ़िलहाल हम एक स्पॉट पर रुके हैं क्योंकि आगे रोड तंग है, गाड़ियाँ कुछ खड़ी हैं, काम हो रहा है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ के खूबसूरत मनाज़र, आगे आपको दिखाएंगे कि दहीतर कितना खूबसूरत है। अगेन बताना चाहूँगा ये छलक नगर के अंदर वाक़ है, ऑफ रोड है लेकिन बहुत बेहतरीन ट्रैक है, आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आप हमारे साथ रहिए, आगे आपको बहुत खूबसूरत जगह हमने दिखानी है। ठीक हो गया, दहीतर के रास्ते में ये एक ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ब्रिज से ऊपर का नज़ारा और साथ में फिर आपको यहाँ से मैं नीचे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इस वक्त हम फंस गए हैं क्योंकि एक गाड़ी जो है ना यहाँ पे फंस गई है, तो उसको निकालने की कोशिश जारी है। देखते हैं कब तक ये गाड़ी यहाँ से निकल पाती है और हम आगे मूव कर पाते हैं। तो नज़ारे आपको दिखाने हैं, बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे डिस्ट्रिक्ट नगर के अंदर मौजूद हूँ। छल्क वैली से हमने ट्रेवल किया, ऑफ रोड है और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी यहाँ पे फंस गई है और इस गाड़ी की वजह से हम भी फंस गए हैं। तो कोशिश जारी है, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी है और इस गाड़ी को ये साइड करेंगे तो पीछे जो ट्रैफिक है वो बहाल हो सकेगा। इस वक्त गाड़ी को साइड करने की पूरी कोशिश की जा रही है और ड्राइवर किसी हद तक कामयाब हो चुका है कि गाड़ी को यहाँ से निकाल पाए और हमारा रास्ता जो है वो खुल पाए। इस वक्त हम पहुंचे हैं ऑलमोस्ट दहीतर के करीब, मतलब दहीतर में ही हैं हम लोग, दहीतर गांव के हैं। मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ग्लेशियर, एक पहाड़ आपको नज़र आएगा और 360 आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बड़ा बेहतरीन यहां पे जो है ना खूबसूरत एक लोकेशन है ये, आप ज़रूर छलक नगर और दहीतर ज़रूर आइए और खूबसूरत मनाज़र एंजॉय कीजिए। जी तो जनाब, हमने आपसे कहा था कि हम आपको बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कितना खूबसूरत व्यू है, ऊपर से एक आबशार बन रहा है ग्लेशियर की वजह से और साथ में आप देख सकते हैं कि पीछे जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का बर्फ़ से ढका हुआ एक पहाड़, एक पीक आपको नज़र आएगा और 360 आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। प्यारे हमारे साथ हैं, नींद आ रही है इनको और बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर हैं यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी जो हमें यहाँ तक लेकर आई है और पीछे आप देख सकते हैं सारे हमारे क्रू मेंबर्स अपना जो है फोटोग्राफी, कोई फोटोग्राफ्स बना रहा है तो कोई वीडियोग्राफी कर रहा है।
ऑल इन ऑल बहुत खूबसूरत जगह है, दईतर इसका नाम है और छलत नगर डिस्ट्रिक्ट में ये वाक़ है। ऑफ रोड है लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ज़रूर आप विज़िट करें और इस ऑफ रोड को थोड़ा बर्दाश्त करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पहुँच के। तो आगे भी काफ़ी जगह हैं वो आपको दिखाएंगे, आपने हमारे साथ रहना है। ठीक हो गया, स्वेटर मैंने पहना है क्योंकि जब भी आप इस तरफ आते हैं ट्रेवल करें तो कोशिश करें कि अपने साथ जैकेट वगैरह रखें, क्योंकि यहाँ मौसम का कोई नहीं पता, अभी बारिश स्टार्ट हो गई है तो हम बारिश भी एंजॉय कर रहे हैं। ये जुहैब जोपो बहुत बड़े यूट्यूबर, देख रहे हैं आप, जैकेट उन्होंने पहनी इसलिए पहनी है कि यहाँ पर ठंड है और साथ साथ बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की। तो आपको यहाँ के तमाम तर व्यूज़ हम दिखाएंगे। गिलगित में गर्मी थी, यहाँ पे ज़बरदस्त ठंड है, गिलगित में इतनी गर्मी थी क्या बताएं, लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत मौसम है। चलिए अपना ख्याल रखिए, बस एक मैसेज आ रहा है, जहाँ पर भी आप जाते हैं, जब आप जाते हैं तो वहाँ पे उस एनवायरनमेंट को, उस जगह को आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, ताकि ये एनवायरनमेंट, ये खूबसूरती बची रहे, कचरा बिल्कुल ना फैलाएं, और अगर कोई रैपर नज़र भी आता है तो उसको उठा के किसी डस्टबिन में डंप कर दें। मेरे साथ पूरी टीम है, इजाज़त तलब करूँगा, देर से आपसे गप्पा में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए।